हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाप ऑफ टेक्निकल पे। आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे ही यूटोरेंट डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और यूटोरेंट ऐसा एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिस पे आप कोई भी अपना सॉफ्टवेयर है जो आप उस पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए क्रोम ओपन करते हैं और उस पे आप टाइप करो यूटोरेंट, और 64 बिट या जैसा भी आपका विंडो हो 34 बिट तो उस हिसाब से ले लो। मेरा 64 बिट है तो यूटोरेंट 64 बिट पे मैं ओपन करता हूँ। फिर ये जो सबसे पहला जो लिंक आ रहा है इस पे आप क्लिक करो, और ये देखिए यहाँ पे यूटोरेंट का वेब पेज ओपन हो गया। और ये जो नीचे देखिए यूटोरेंट क्लासिक करके है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, कंप्लीट भी हो गया। तो अभी इसे आप डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कीजिए। ये देखिए कंट्रोल पैनल का ये आएगा, इसको यस कर देना है और फिर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट कर दो, फिर अगेन नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो एंड एग्री। और ये जो भी टिक है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एज इट इज रहने दो, या आप और टिक कर सकते हो, अनटिक कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट करते हैं और एज इट इज में इसको रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें सारे और जो मैग्नेट URL ये होता है वो सब हम वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं अभी कितना टाइम लेता है, डिपेंड करता है ये भी आपके पीसी पे। चलिए और डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ्री है, और आप इस पर कुछ भी कोई भी है और जो भी आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, फिनिश करते हैं। और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, एक पेज ओपन हो के आता है यूटोरेंट की तरफ से, उसको आप क्लोज कर दो और हम वापस चलते हैं। यूटोरेंट जो हमने इंस्टॉल किया है तो आप देख सकते हो उसका पेज कैसा शो हो रहा है सॉफ्टवेयर का। तो अभी आप जैसे कुछ भी डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे शो होगा, ये देख सकते हो आप टोरेंट करके, यहाँ पे आपका लिंक वगैरह आएगा। तो दोस्तों देखा आपने, काफ़ी इजी है और मुझे लगता है काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।